नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपसे एंगर को खत्म करने के लिए 5 टिप्स शेयर की हैं जो आपके लिए यूजफुल होंगी, जिन पॉइंट्स की हेल्प से आप गुस्से को अपनी लाइफ में थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस एंड डेवलप रेगुलरली टू कीप काम। गुस्सा आना बहुत नेचुरल प्रोसेस है। कई सारी सिचुएशंस के कारण हमें गुस्सा आता है, लेकिन हम अपने गुस्से को कंट्रोल करने की हैबिट को डेवलप कर सकते हैं। गुस्सा जलाने वाली सिचुएशंस को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। जो हमारे कंट्रोल में है वो है इमोशंस। हमारे इमोशंस का इम्बैलेंस हमारे माइंड के इम्बैलेंस के कारण है। हम अपने माइंड को ट्रेन करके हम काम रहने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो सिचुएशंस हमें गुस्सा दिलाती हैं वो हमारे मेंटल एनवायरनमेंट से यानी माइंड से बाहर है। उन पर होने वाले इमोशंस ही सिर्फ हमारे कंट्रोल में है, तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट है आइडेंटिफाई योर एंगर। सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना जिसके कारण हमें गुस्सा आता है एक प्लस पॉइंट है, जिसको फॉलो करके हम अपने गुस्से को हैंडल कर सकते हैं। गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन जब तक हमें ये पता होगा कि कौन कौन सी सिचुएशंस के कारण मुझे गुस्सा आता है, तो उन सिचुएशंस को अवॉइड करके हम गुस्सा करने से बच सकते हैं। थर्ड पॉइंट है वेट एंड स्टार्ट डूइंग एनी फिजिकल एक्सरसाइज। जब भी हमें गुस्सा आता है, या तो किसी पर बहुत तेज चिल्लाना शुरू कर देते हैं या गालियां देना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ उस टाइम थोड़ा रुके और एक्सरसाइज करना शुरू कर दे तो हम गुस्से को हैंडल कर सकते हैं। जब भी हमें गुस्सा आता है उस टाइम कोर्टिसोल नाम का न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है हमारे ब्रेन में। कोर्टिसोल हेल्प करता है हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम अगर हमें थोड़ा सा भी स्ट्रेस हो रहा है, उस टाइम हमारी बॉडी में कोर्टिसोल का लेवल डाउन होता है एंड डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल बढ़ता है। गुस्सा आने पर सामने वाले इंसान पर ब्लास्ट होने की जगह अगर हम वेट करके एक्सरसाइज करना शुरू करें सिर्फ जंप जैक से सिर्फ 5 मिनट के लिए, तो हम इंस्टेंटली गुस्से को हैंडल कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है फोकस एंड डू योर वर्क। गुस्सा आना और गुस्सा करना नेचुरल प्रोसेस है। जिन सिचुएशन से हमें ज्यादा गुस्सा आ रहा है वो सिचुएशन बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, बेटर है इग्नोर करना। गुस्सा करने से सिर्फ हम अपनी ही बॉडी को खत्म करते हैं। उन लोगों से इंटरेक्ट करना जो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, जिनसे हम कुछ भी बात करें उनका काम सिर्फ हमें गुस्सा दिलाना है, बेटर है ऐसे लोगों को इग्नोर करें। ज्यादा गुस्सा करने से हम अपने फोकस को खोने लगते हैं। हमारा ज्यादातर टाइम उन सिचुएशंस के बारे में सोचने में वेस्ट होता है। इससे अच्छा है फोकस रह करके सिर्फ अपने वर्क को पूरा करें। अगर हम अपने काम से मतलब रखेंगे और अपने काम को पूरा करेंगे उन लोगों से जो कम्प्लीटली फ्रस्ट्रेट रहते हैं, ना तो उनसे हमारा इंट्रैक्शन हो पाएगा ना ही हम ज्यादा गुस्सा करेंगे। फिफ्थ पॉइंट है अवेयरनेस। गुस्सा करने से ना तो किसी का कुछ भला हो पाया है और ना ही कभी हो पाएगा। गुस्सा करना एक तरह से जहर को ही फेंकना है सामने वाले इंसान पर। गुस्सा आने के टाइम हम क्या बोलते हैं और क्या कर बैठते हैं ये हमें भी नहीं पता होता, इसलिए अपने आप में गुस्से को लेकर के अवेयर होना बहुत जरूरी है। जिन लोगों के कारण या जिन सिचुएशंस के कारण हमें गुस्सा आता है, ना तो वो कभी बदली थी और ना ही कभी बदलेंगी। हमें खुद ही अवेयर होना पड़ेगा कि हम गुस्सा किसी भी वे में ना करें। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी उसको लगा तो उसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। मैं फ्यूचर में से और वीडियोस लेकर आऊंगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।